अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडेज़ आवर लेक्चर इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। So there are total 8 branches of chemistry. Firstly, physical chemistry, then organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, analytical chemistry. Let's see the objectives of today's lecture. Today we will discuss physical chemistry, its definition and its example. So, what is physical chemistry? Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. So, firstly देखें, physical chemistry जो है वो chemistry की branch है जिसमें matter के composition और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है, इनके चेंजेस के साथ साथ के इनमें चेंजेस, मतलब कंपोजिशन चेंज हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या रिलेशनशिप होगा इसके साथ, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो तो कंपोजिशन का इसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। डेफिनेशन में हमने दो चीज़ें देखी हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन क्या है? विद विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैटर इज मेड अप, मतलब एक मैटर किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना हुआ है। सेकेंडली फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है? लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल स्टेट से एसोसिएट होती हैं। इनकी एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर की कंपोजिशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में रिलेशनशिप देखना है अलोंग विद चेंजेस इन दैम, मतलब इनको चेंजेस के साथ साथ इनका रिलेशनशिप देखना है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं तो कंपोजिशन में क्या इफेक्ट होगा, और अगर कंपोजिशन चेंज हो रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट होगा, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या होगा। तो मैटर की कंपोजिशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। तो वाटर को एज अ मैटर लिया हुआ है। मैटर क्या है हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, द थिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी चीज जो कुछ वजन रखती हो और जो कुछ जगह घेरती हो। तो पानी वजन, पानी का वजन भी होता है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर इज टेकन एज मैटर। तो वाटर की कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O। तो इसका मतलब है इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं और एक ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। और अगर हम वाटर की फिजिकल स्टेट को देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो अगर हम क्या करें कि वाटर को, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर को अगर हम हीट करते जाएं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट थी पहले लिक्विड, और हीट करने के साथ उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैस बन चुकी है। इसका मतलब है लिक्विड की फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है इनटू गैस, लेकिन इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी। लिक्विड
वाटर में इसकी कंपोजिशन थी H2O, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन, लेकिन इसको फर्दर हीट करने के साथ ये गैस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी कंपोजिशन दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम ही रहेगी। इसी तरह अगर हम लिक्विड वाटर को फ्रीज करते जाएं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और इसको फ्रीज करते जाएं, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस बन जाएगी, लेकिन इधर भी इसकी कंपोजिशन H2O ही रहेगी, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। नाउ वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। The properties that are studied under this branch are structure of atoms or formation of molecules. Second, behavior of gases, liquids and solids. Thirdly, the study of the effect of temperature or radiation on matter. So, फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, किन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मतलब एटम में किन की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, शेल्स होते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मतलब एटम्स की कम्बिनेशन से किस तरह बनता है, उस सारे स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेस को स्टडी करना, वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो गैसेस का क्या क्या बिहेवियर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, इसी तरह प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं वो क्या बिहेवियर शो करती हैं। थर्ड है द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, मतलब मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे डायग्राम है कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर अगर हम टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज करते जाते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएं गैसियस स्टेट पर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और करीब आते जाएंगे और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के हम फिजिकल केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह, और गैसेस, लिक्विड्स और स्टेट्स का और सॉलिड्स का बिहेवियर, और टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पर, ये चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे। आज हमने डिस्कस की है फर्स्ट ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली ये ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रिलेशनशिप को, along with changes in them, के इनको अगर हम change करें तो फिर इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या relationship होगा। Composition basically क्या था कि matter जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और physical property जो है basically वो इसकी physical state होती है। physical state matter की हो सकती है liquid, solid and gas, और लास्ट में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की फिजिकल केमिस्ट्री की। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।